أسري فيك للغاية أتلو الآية والآية وبذا يسمو إيماني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं हूँ صديق بلوچ और आज मैं कसूर की मारूफ सैफ सिटी के अंदर जो रायवन रोड पे वाक़ है वहाँ पे मौजूद हूँ। आज यहाँ पे एक बड़ी शानदार मस्जिद बनाई जा रही है, मस्जिद अल फलाह कम्युनिटी सेंटर। तो इसके मैंने मीडिया पे काफ़ी दफ़ा देखा, तो आज चूँकि इस मस्जिद का लेंटर डल रहा है तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे इस टीम के रूह रवां और जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और मस्जिद को बना रहे हैं और जिनकी पूरी काविश है, वो है मोहतरम जनाब इरफान हुसैन साहब। तो आज भाई से मुलाकात करने के लिए आए हैं, चंद बातें जानेंगे कि मस्जिद का जो संगे बुनियाद रखा और आज माशाल्लाह वो जो उसका ग्राउंड फ्लोर है उसका लेंटर भी डल रहा है, तो इस मस्जिद के मकासद क्या हैं। चूँकि आम तौर पे हमारे यहाँ जो मस्जिद बनाई जाती है वो सिर्फ नमाज़ पढ़ें, बच्चे सुबह शाम पढ़ाएँ और चले जाएँ, तो क्या इसका भी यही मकसद है? तो जानते हैं भाई जान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले तो मुख्तरम सदीक बलोच साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इस मस्जिद के हवाले से। यकीनन ये तो अल्लाह ताला का फ़जल और उसकी रहमत के साथ ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह शुरू हुआ है और उसी की मदद के साथ ही मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप भाइयों का यहाँ आना, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है और हमारा बहुत इस हवाले से हौसला बुलंद हुआ है। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे और आपने यहाँ वक्त दिया और हमसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम इस मस्जिद को वाकई कम्युनिटी सेंटर बनाने की कोशिश में अपना किरदार अदा कर सकें। इरफान भाई, माशाल्लाह आप एक बिजनेस मैन हैं और पिछले कोई 15 साल से मैं आपको जानता हूँ, आप उम्मत के जवानों की इस्लाह के लिए कोशिश करते रहते हैं, दारुल फलाह के प्लेटफॉर्म से वहाँ पर प्रोग्राम करवाते हैं, तो तबलीग का सिलसिला काफ़ी अच्छा चल रहा है और आपका कारोबार भी अच्छा चल रहा है, तो इतनी मसरूफियात के अंदर से कैसे आपने सोचा कि एक मस्जिद होनी चाहिए, तो टाइम निकाल पाएंगे और इस मस्जिद का मकसद क्या है? और साथ जो आपने कम्युनिटी सेंटर लगाया, कि यूनिक चीज़ आप मेरा ख्याल देने जा रहे हैं, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। असल में एक दावती तहरीक और दावती सोच जो थी ना, वो तो एक अरसा दराज से चल रही थी, 12-14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम काम कर रहे थे। लेकिन उम्मत की खैर खाई के लिए और अपने इलाके के नौजवानों के लिए जो ख़ास तरबियत और ख़ास मनहज हम चाह रहे थे, क्योंकि हम दारुल फलाह के प्लेटफार्म से जब लोगों को जमा करते थे और तमाम मसालिक के लोग जो यहाँ जमा होते थे और बग़ैर किसी तफरीक के हमारा पैगाम उन तक पहुँचता था, लेकिन हम ये चाहते थे कि कोई ऐसा सिलसिला हो पर ऐसी जगह और ऐसा पॉइंट दिया जा सके कि लोग वहाँ आएँ और लोग अपने सारे मसाइल का हल उस जगह पर अपने आप को यानी पुरसकून पाएँ और उनकी तमाम परेशानियाँ, चाहे वो तालीमी हैं, तरबीजती हैं, रिफाई हैं, बीमारियाँ हैं या कोई भी मसाइल माशरे के हैं, वो सारे एक ही जगह पे हल हों। तो इसके लिए मैंने जब तारीख़ का मुतालिया किया तो मुझे ये समझ आया कि मस्जिद जो है ना वो एक बहुत बड़ा किरदार है और हम मस्जिद के ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहे। हमारे माशरे में मस्जिद वही रूटीन में माशाल्लाह काम कर रही है, दावत का बहुत ज़्यादा अपनी अपनी जगह पे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी जिसने वाकई सही कम्युनिटी का किरदार अदा किया था, हम वैसा तो नहीं कर सकते लेकिन उसका थोड़ा सा अक्स हम पेश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम ऐसी मस्जिद बनाएँ जिसमें तालीम भी हो, तबलीग भी हो, तरबियत भी हो, रिफाए आमा भी हो, चैरिटी भी हो और लोगों के दुख दर्द जो हैं गोराबा यतीमों के साथ तावन भी हो, लोगों के इलाज मुआलजे का इंतज़ाम भी हो, लोगों को पानी भी मुहैया किया जा सके, लोगों की ज़रूरत भी पूरी की जा सके। तो ये एक सोच ले कर फिर हमने इसका इरादा किया कि हमें ऐसी मस्जिद बनानी चाहिए जैसी मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या तारीख़ में सलफ सालहीन की दौर में हमें वो मस्जिद मिलती है। तो ये फिर इरादा हमने बना और इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया, फिर यहाँ जगह ख़रीदी और आप देख रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लेंटर के मराहल तक पहुँच गए। इरफान भाई, जितने नाज़रीन हैं मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी मस्जिद बनती रही है तो वो अपने मसलक को प्रमोट करने के लिए बनाते रहे हम, कि मेरे मसलक के जो नमाजी हैं वो उसमें नमाज़ पढ़ सकें या बच्चे कुरान पाक पढ़ सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह ये पहला एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि एक ऐसी मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है जो कम्युनिटी का किरदार अदा करेंगे।
इरफान भाई आप मुझे बताइए कि तालीम का सिलसिला भी शुरू करेंगे यहाँ पे? जी, मस्जिद के इफ्तिताह के फौरी बाद जो हमारा सबसे पहला इरादा है, क्योंकि तारीख से और असलाफ से यही सबक मिला है कि हमने कुरान के ऊपर लोगों की तरबियत करनी है, तो सबसे पहला जो काम हमने करना है ना वो हिफ्ज़ कुरान का शोबा, और बड़ा यूनिक सा करके इंशाल्लाह उसको हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कुरान के साथ दूसरे कोर्सेज हैं, फ़हम कुरान कोर्स है, तालीम बालगा हैं बड़े लोगों के लिए जो कुरान पढ़ नहीं सकते, जिनका तलफ़ नहीं ठीक, जो ख़वातीन पुराने ज़माने की कुरान पढ़ी हुई हैं उनके तलफ़ और तजवीद नहीं ठीक, इस तरह के तमाम सेशंस जो हैं ना हमने इस मस्जिद में गाहे बगाहे मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज के साथ बड़े लोगों के लिए, ताजरों के लिए, वकला के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास जितना टाइम है हम कोशिश करेंगे उतना टाइम लेके इस मस्जिद के साथ लोगों को सबसे पहले तालीमी और तरबियती हवाले से अटैच किया जाए, ताकि लोग मस्जिद की अहमियत को जब समझेंगे तो यहाँ कुरान सीखने सिखाने आएंगे, कुरान का तर्जमा पढ़ने आएंगे, कुरान की तालीम सीखने आएंगे, उसमें बच्चे भी शामिल होंगे, मर्द भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, वो एक खाका और एक ख्वाब जहन में अल्लाह ने बिठाया हुआ है कि हमने उसको इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करनी और घर घर में इंशाल्लाह हमने कुरान का पैगाम पहुँचाना है। मुतमाजी, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, इनकी टीम की जो एक्टिविटीज़ है या फिर इनका जो विजन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैं सर से जानता हूँ। सर मुझे बताइए कि आपके मुस्तकबिल के मसूबाजात क्या है यहाँ पे, जो आप सोचते हैं कि इंशाल्लाह ये क़ायम किए जाएंगे? इंशाल्लाह अभी तो देखें, मस्जिद की तामीर जो है हमने स्टार्ट की हुई है और यकीनन एक बड़ा मंसूबा है, और इस पे भी हम सबको तवज्जो देनी चाहिए कि ये कितना मंसूबा है और हमने अपना इसमें कितना किरदार पेश करना है। तो इंशाल्लाह मस्जिद अलफला जो है ना वो लोगों के लिए रुशद व हदायत का ज़रिया बनेगी, उसके बाद मस्जिद अलफला फ़हम कुरान और हिफ्ज़ कुरान का ज़रिया बनेगी। इसके साथ साथ हमारे मंसूबाजात में मस्जिद अलफला बेवाओं और यतीमों का सहारा बनेगी, मस्जिद अलफला सफ़ेद पोश लोगों के लिए शादी हाल और फ्री डिस्पेंसरी का क्याम जो है वो कायम करेगी। इसी तरह मस्जिद अलफला एक ऐसा बैतुल माल कायम करेगी जिसमें सफ़ेद पोश लोगों के लिए आसान कर्ज़े अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ वो कर्ज़े कायम किए जाएंगे। इस तरह मस्जिद अलफला उन गुराबा के लिए मैयत और तजहीज़ और तकफीन का भी एहतमाम करेगी जो हमारे माशरे के लिए लोगों के लिए मुश्किल होती है। इसी तरह हमारी ये मस्जिद अलफला जो कम्युनिटी सेंटर है वो इंशाल्लाह लोगों के लिए, वो लोग जो गुराबा हैं, यतीम हैं, बेसहारा हैं और सफ़ेद पोश हैं, उनकी बच्चियों के लिए शादी का एहतमाम भी करेगी, और इस इलाके के लिए मस्जिद अलफला जो है लोगों के लिए साफ़ पानी जो है वो भी मुहैया करेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बंदा घर से निकलेगा अगर वो परेशानी महसूस करता है, जैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आता था, वो यहाँ आके अपने आप को तस्कीन महसूस करेगा, सुकून महसूस करेगा। अगर कोई बीमार है तो उसको यहाँ दवाई मिलेगी, उसका इलाज मुआलजा होगा, अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी ख़त्म की जाएगी, अगर कोई मकरूज है तो उसका कर्ज़ा के बारे में हम इंशाल्लाह प्लानिंग करेंगे, अगर कोई अपनी बेटियों की शादियों के वजह से परेशान है तो हम ऐसे इख्तमाम इंशाल्लाह करेंगे, अगर कोई घर में किसी के पानी को साफ़ नहीं मिल सकता, बाहर से पानी लेना मुश्किल है, इतने वसाइल नहीं है, तो हमारी मस्जिद इंशाल्लाह उसको साफ़ फिल्टर वाला पानी मुहैया करेगी। ये हमारे इंशाल्लाह मुस्तकबिल के मंसूबाजात हैं। इसमें सबसे पहले तो दावती और तालीमी है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बाकी जैसे जैसे आप जैसे दोस्त और कारवां बनते गए ये सारे मंसूबाजात इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला अल्लाह की मदद के साथ इंशाल्लाह पूरे होंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैं इरफान भाई की बातें सुन के बाग हुआ हूँ, दिल बहुत खुश हुआ है, और मैं अपनी कैफियत बता नहीं सकता मैं कितना इस वक्त खुश हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं पिछले एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मुख्तलिफ लोगों के साथ रहा हूँ, इतना वीन किसी के पास नहीं है, तो अल्लाह ताला भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए, भाई की हिफाजत फरमाए, इनकी गैबी मदद फरमाए। इरफान भाई, हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? पैगाम मैं ये समझता हूँ कि कसूर शहर के वासियों के लिए यही है कि ये मंसूबा यकीनन बहुत बड़ा मंसूबा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि इस मंसूबे को सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने मुकम्मल करना है, लेकिन हम सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ तक ये हमारा पैगाम पहुँच रहा है, मैं सब लोगों से वो दिबाना गुजारिश करूंगा कि अगर आप वाकया ही चाहते हैं कि आप अल्लाह के रास्ते में कुछ सदका करना चाहते हैं और आप कोई ऐसी जगह तलाश करते हैं कि जहां सारी चीज़ें मौजूद हों, सारे प्रोजेक्ट हों, कोई बंदा सोचता है कि मैं तालीम पर खर्च करना चाहता हूं तो वो मस्जिद अलफला आ जाए, कोई बंदा चाहता है कि मैं दावत दीन में खर्च करना चाहता हूँ तो मस्जिद अलफला आ जाए, कोई बंदा चाहता है कि किसी मिस्कीन का मैं सहारा बनना चाहता हूँ तो मस्जिद अलफला में अपना किरदार पेश करें,
कोई बंदा चाहता है कि मैं किसी बेवा का जो सहारा बनना चाहता हूँ तो वो हमारी इस मस्जिद में तशरीफ ले आए, कोई बंदा चाहता है कि गुराबा के दरमियान मैं राशन तकसीम करना चाहता हूँ तो वो हमारे साथ रابطہ करे और मस्जिद अलफला का रुख इख्तियार करे, कोई बंदा चाहता है किसी की बेटी की शादी के लिए मैं कुछ तावन देना चाहता हूँ तो वो भी इस मस्जिद का की तरफ आ जाए। गर्ज इसमें हर किस्म के काम जो चैरिटी के होते हैं, तालीम के होते हैं, तबलीग के होते हैं और ख़ास तौर पर मदरसे के होते हैं, वो सारे काम हमने इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर दिए। हर इंसान की एक अलग से एक सोच होती है, कोई चैरिटी में खर्च करना चाहता है, कोई तबलीग में खर्च करना चाहता है, कोई खाने में खर्च करना चाहता है, कोई पानी पिलाने में खर्च करना चाहता है, कोई रिफाई आमा में खर्च करना चाहता है, कोई लोगों का इलाज करवाना चाहता है, किसी को तिब्बी सहूलतें देना चाहता है, कोई फ्री मेडिसिन तकसीम करना चाहता है। तो मेरी ये सब को दावत है जो मुझे सुन रहे हैं, कसूर के लोग या कसूर से बाहर, वो आए हमारे पास और हमारा साथ दें और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की तामीर में अपने आप को पेश करें, अपने बड़ों के आबाओ अजदाद का सदका बनाने के लिए ता हयात सदका, कहते हैं कि ये ऐसा सदका है मस्जिद में खर्च करना जो कि क़यामत तक कायम रहेगा। अगर आप ऐसा सदका लगाना चाहते हैं अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का, अपने बेटों का, तो आए हमारा साथ दें। सबसे पहले तो इसकी तामीर में अपना हिस्सा डालें। तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ का मंसूबा इसकी तामीर का है, तो आए हम सब अपनी जेबें खोलें और अल्लाह के रास्ते में अपने आप को पेश करें। उसके बाद हमारे जो मंसूबा जात जैसे मैंने बताए हैं वो सब इंशाल्लाह आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों का तावन होगा, आप लोगों की शफकत होगी, आप लोगों की सरपरस्ती होगी, कसूर शहर के लोगों की मोहब्बत होगी और उनका तावन होगा, इंशाल्लाह ये काम अल्लाह की तौफीक से बढ़ता जाएगा। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी निश्तों को खालिस रखे और खालिसतन इखलास की बुनियाद पर हमें इस मस्जिद को कायम करने की तौफीक दे। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी कायम की थी, हमें उसका अक्स कायम करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आज हमने कोशिश की है इन भाइयों ने, दारुल फलाह के साथियों ने और कुछ ऐसे भाई जो कसूर से हमारे साथ चल रहे हैं, उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि मस्जिद अलफलाह का अल्हम्दुलिल्लाह लेंटर डाला जा रहा है। आए मैं आपको दावत देता हूँ, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में हम जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में अल्लाह हमारी मदद भी फरमाएगा और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाह अल्लाह की तौफीक से और उसकी मर्ज़ी के साथ इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मुकम्मल होएंगी। बस यही पैगाम है कि आप लोगों का साथ चाहिए, दुआएं चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। जिस तरह पहले 12 साल से दारुल फलाह के साथ तावन करते हैं, आज ये मस्जिद पुकारती है कि अल्लाह का घर पुकारता है, इस घर के साथ अपना किरदार पेश करें, मस्जिद के किरदार को मुआशरे में फाल करने के लिए अपना हिस्सा, अपना दिया, अपना कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें पेश करें। अल्लाह ताला आप सबको बरकत देगा, हम सब की दुआएं हैं, जिन्होंने खर्च किया, जो खर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबके सदकात इंशाल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुतम नाजीन, इरफान भाई ने बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको मैसेज दे दिया है। आप जिस तरह भी खिदमत करना चाहते हैं मुआशरे की, तालीमी लिहाज से, समाजी लिहाज से, आप मुआशरे में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, ताबुन करना चाहते हैं, तो इरफान भाई के साथ मिलें, आएं और अपना हिस्सा डालें। इंशाल्लाह हम सब मिलके इस मस्जिद को एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे और अल्लाह के फजल से ये हमारे लिए सदका जारिया होगा और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक मशलेरा होगा। आप इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।